हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बात करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियोस में हम काफ़ी टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक रहेगा हमारा, तो शुरू करते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या है? मतलब कि होस्ट को कैपेबल बनाना कि वो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA है उसको वो ले सके, राइट? तो DNA क्या है? ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि वो कैसा है? वाटर लविंग है, राइट? हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लव, तो वो कैसा है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। और इसी वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं हमारी, इनके थ्रू ये पास ऑन नहीं कर सकता, राइट? एक सेल से दूसरे सेल में ये पास ऑन नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। और अब हम क्या चाहते हैं, लास्ट वीडियोस में ही हमने ये देखा था कि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड होता है, लेकिन वो प्लाज्मिड को लेने के लिए उस बैक्टीरियल सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कॉम्पिटेंट मतलब है कि उसके अंदर वो एबिलिटी जनरेट करवानी पड़ती है, उसको इतना कैपेबल बनाना पड़ता है कि वो हमारा जो प्लाज्मिड है उसको वो ले ले, राइट? बैक्टीरियल सेल जो है वो प्लाज्मिड ले ले। अब इसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो डाइवेलेंट केटाइन है उसकी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको ट्रीट करवाया जाता है। तो डाइवेलेंट केटाइन क्या है? ये ग्लूरोनिक एसिड के साथ जाकर के बाइंड करता है। इससे क्या होगा कि वो एक जंक्शन या जोन्स जो है वो अदर चेन्स के साथ बना देते हैं और एक क्रॉस लिंक सा नेटवर्क जो है वो बन जाता है। अब इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये खुद का स्ट्रक्चर रिटेन कर पाते हैं, राइट? तो आप सिंपल सा याद रख लीजिए कि स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट केटाइन के साथ इसको ट्रीट करवाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कैल्शियम, राइट? तो एग्जाम्पल याद रख लेंगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका काम क्या है कि ये इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है कि जो DNA है अब वो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर थ्रू द पोर्स वो एंटर कर सकता है, राइट? मतलब कि बैक्टीरियम की जो सेल वॉल है उसके थ्रू ये एंटर कर सकता है, क्योंकि वो पहले हाइड्रोफिलिक था इसलिए वो नहीं कर पा रहा था। अब उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और अब ये थ्रू द सेल वॉल के जो पोर्स होते हैं उससे ये बैक्टीरियम के अंदर एंटर कर जाएगा, राइट? अब उसके बाद रिकॉम्बिनेंट DNA को इन्हीं सेल्स के अंदर फोर्सफुली इंजेक्ट किया जाता है, राइट? कैसे किया जाएगा? तो इंक्यूबेशन की जाती है सेल्स की विद रिकॉम्बिनेंट DNA ऑन आइस। मतलब कि इंक्यूबेशन क्या है? देखिए, जिस तरह से एक मुर्गी होती है वो अपने एग्स को हैच करती है 21 दिनों के लिए, राइट? तो क्या है, वो उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन बना रही होती है कि जो एगियोक है वो छोटे से चिक में चेंज हो जाए, राइट? उसी तरह से हमें जो ये सेल्स हैं या माइक्रोब्स हैं इनको ग्रो करवाने के लिए भी फेवरेबल कंडीशंस देनी पड़ती है ताकि ये अच्छे से ग्रो कर पाएँ, राइट? तो उसी तरह से अब हमें रिकॉम्बिनेंट DNA को इन सेल्स के अंदर फोर्सफुली इंजेक्ट करने के लिए हमें इनक्यूबेट करना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट DNA को ऑन आइस, राइट? आइस के ऊपर हम इनको इनक्यूबेट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि अचानक से इनको आइस से निकाल करके एक हीट शॉक इनको देना है 42 डिग्री सेल्सियस का, राइट? जब हम वो देंगे तो उसके बाद हमें दोबारा से उनको आइस पर रख देना है, राइट? इतना सा प्रोसेस करके ये होगा कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि वो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA है उसको ले सके, राइट? वो उसको ले लेगा और जो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA है वो एंटर कर जाएगा थ्रू द पोर्स ऑफ दैट बैक्टीरियम सेल वॉल, राइट? तो ये है कि हम किस तरह से कैपेबल बना सकते हैं हमारे होस्ट को, राइट? अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्या सिर्फ यही एक तरीका है जिससे कि कॉम्पिटेंट बनाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, और भी कई तरीके हैं जिनके थ्रू जो है वो होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन। तो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल,
राइट। तो एनिमल सेल्स में अगर हमें कुछ हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर हमें इंजेक्ट करना है तो हम मोस्टली माइक्रो इंजेक्शन का जो ये टेक्निक है इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या करेंगे तो सिंपल आप ये डायग्राम देख लीजिए कि हमारे पास एक माइक्रो इंजेक्शन होता है, राइट। इस तरह से वो माइक्रो इंजेक्शन होगा और इसके अंदर हमने क्या डाल रखा होगा, तो यहाँ पे हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है या फॉरेन डीएनए है या हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो यहाँ पे इस माइक्रो इंजेक्शन के अंदर हम भर लेंगे। उसके बाद हम एक होस्ट सेल लेंगे, राइट। तो ये हमारा वो होस्ट सेल है और इसको हमने पिपेट के थ्रू, माइक्रो पिपेट के थ्रू हमने होल्ड किया होगा, राइट। और इसके जो न्यूक्लियस है, राइट, तो ये बाहर वाला जो पार्ट है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये साइटोप्लाज्म होता है और बीच वाला पार्ट क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो हम इसके न्यूक्लियस में वो इंजेक्ट कर देंगे डायरेक्टली, राइट। तो दिस इज़ द टेक्निक जिसको कि माइक्रो इंजेक्शन कहा जाता है, राइट। और ये किन सेल्स के ऊपर होता है, तो एनिमल सेल्स के लिए हम बेसिकली इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, राइट। याद रखेंगे आप, माइक्रो इंजेक्शन होता है, उसके बीच में हम क्या डाल देंगे, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग डाल देंगे यहाँ पे और देन डायरेक्टली हम लोग इसको इंजेक्ट कर देंगे जो होस्ट सेल है हमारा उसके न्यूक्लियस के अंदर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है बायोलिस्टिक्स और जीन गन। तो ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं प्लांट सेल्स के लिए, राइट। इसमें क्या होता है, एक बम्बार्डमेंट होता है बहुत ही हाई वेलोसिटी का, छोटे छोटे पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं गोल्ड और टंगस्टन के, जो कि कोटेड होते हैं किससे, हमारे डीएनए से, राइट। जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है उससे वो कोटेड होते हैं गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स। और इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा बम्बार्डमेंट जो है वो हम उन सेल्स की तरफ करते हैं, टारगेट सेल्स की तरफ करते हैं, ताकि जो हमारा डीएनए है वो सीधा जा कर के कहाँ पर हिट करे, हमारे टारगेटेड सेल्स के ऊपर, राइट। और ये किन के लिए मेथड यूज़ किया जाता है, प्लांट सेल्स के लिए, राइट। अब इसमें होता क्या है, तो ये डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। दिस इज़ जीन गन, राइट, दिस इज़ जीन गन। ये जीन गन का बैरल है, राइट। जैसे आपने कि गन का बैरल देखा होगा, असली वाली गन का नहीं देखा होगा, तो आपने टॉय गन का तो देखा ही होगा कि उसमें एक बैरल होता है। अब इस बैरल के थ्रू क्या होगा कि जो जो पार्टिकल्स हैं, राइट, वो जाएंगे। अब कैसे जाएंगे, तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये प्लास्टिक डिस्क है जिसमें कि जो हमारा डीएनए कोटेड है गोल्ड पार्टिकल या फिर टंगस्टन पार्टिकल्स के साथ, वो यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे, राइट। उसके आगे एक डिस्क है, राइट, स्टॉप्ड बाय स्क्रीन। तो ये एक ऐसी डिस्क है जो कि स्टॉप करेगी, राइट। ये एक ऐसी स्क्रीन है जो कि एक स्टॉपेज के लिए लगी होती है, राइट। अब क्या होगा कि जो पीछे से जब प्रेशर बन करके आएगा, क्योंकि पूरा प्रेशर का ही खेल है, यहाँ से जब प्रेशर बन करके आएगा तो वो प्रेशर सीधा किसके साथ हिट होगा, इन गोल्ड पार्टिकल्स के साथ या टंगस्टन पार्टिकल्स के साथ। और ये डिस्क का काम क्या है कि जैसे ही बम्बार्डमेंट पूरा फील होगा यहाँ पर अंदर, यहाँ से बिल्कुल बम्बार्डमेंट की तरह, बॉम्ब की तरह, जैसे बॉम्ब फटता है तो बहुत सारी तबाही होती है, उसी तरह से यहाँ पे भी गोल्ड पार्टिकल्स की या टंगस्टन पार्टिकल्स की तबाही निकलेगी बाहर की तरफ, राइट। और सीधा जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जा कर के हिट होंगे, टारगेट प्लांट सेल्स के ऊपर, राइट। जो ये आप रेड रेड कलर के डॉट्स देख रहे हैं, ये क्या है, ये डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल है या फिर टंगस्टन पार्टिकल है, राइट। तो इस तरह से जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा हमारे टारगेटेड प्लांट सेल्स के लिए, राइट, प्लांट सेल्स के अंदर वो पहुँच जाएगा। तो ये क्या है, फोर्सफुली इंजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, राइट। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, जीन गन या बायोलिस्टिक्स, आप कुछ भी याद रख सकते हैं। और ये किन सेल्स के लिए होता है, तो प्लांट सेल्स के लिए काफ़ी सूटेबल मेथड है ये, राइट, फॉर इंजेक्टिंग डीएनए इनटू द प्लांट सेल्स, टारगेटेड प्लांट सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा ये जो मेथड है, इसमें हम डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वेक्टर्स क्या हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एक व्हीकल्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपना डिज़ायर डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर पहुँचाते हैं, राइट। और अब ये हमारी हेल्प कैसे करेंगे, देखिए डिसआर्म्ड पैथोजन, जहाँ पे पैथोजन आता है, तो मैंने आपको बताया था कि पैथोजन ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे वायरसेस होते हैं
या एज ए बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। पैथोजन का मतलब है बीमारी फैलाने वाले, राइट, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरसेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, पैथोजन मतलब बीमारी फैलाने वाले, राइट। तो यहाँ पे जो डिसआर्म्ड पैथोजन्स की बात हो रही है तो वो बेसिकली वायरसेस होते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था जब हमने बैक्टीरियोफाजेस की बात की थी लास्ट वीडियोज़ में, तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था कि बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं। तो वो बैक्टीरिया ईटर होते हैं, ऐसे वायरसेस जो कि किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियाज को, और उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो मल्टीपल कॉपीज़ बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। उनकी जो जीनोम को कॉपी करने की एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे हम उनका यूज़ कैसे करेंगे? तो देखिए, जो पैथोजन होते हैं, राइट, मैंने आपको बताया कि ये एक वायरस है, ठीक है, इसकी जो नेचुरल एबिलिटी है, राइट, वो क्या होगी? ये क्या करेगा? ये इन्फेक्शन फैलाएगा, राइट। जैसे कि अगर आप कैंसरस सेल्स की बात कर लें, एचआईवी की बात कर लें, तो जो एचआईवी का वायरस है वो क्या कॉज कर रहा है? वो एड्स कॉज कर रहा है, राइट। तो अगर इस वायरलेंट की या फिर इस पैथोजन की हम ये इन्फेक्शन वाली जो जीनोम है या इन्फेक्शन वाली जो एबिलिटी है उसको हम रिमूव कर दें, राइट, जो ये इन्फेक्शन वाली एबिलिटी है इसको हमने रिमूव कर दिया, तो ये हमारे लिए एक अच्छा सोर्स बन सकता है हमारे जीनोम को मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, राइट। तो इसीलिए हम ऐसा एक वेक्टर चूज़ करते हैं जिससे कि हम उसकी जो इन्फेक्शन या फिर वायरलेंट एबिलिटी है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको हमने रिमूव कर दिया, और जो इसकी जीनोम कॉपी करने वाली एबिलिटी है उसको हमने अपना डिज़ायर्ड डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ कर लिया, राइट। तो ये एक काफ़ी अच्छा मेथड है, राइट, लेकिन ये थोड़ा सा ख़तरनाक भी हो सकता है। जैसे कि अभी कोविड पैंडमिक है, तो अगर हो सकता है कि इस तरह से कोई बीमारी फैल जाए, राइट। तो ये डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स जो हैं वो इन्फेक्ट करते हैं सेल्स को, राइट, और उनमें अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है होस्ट की बॉडी में, ये बहुत तेज़ी से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। अगर मैं कैंसरस सेल्स की बात करूं, तो अगर एक सेल जो है हमारी बॉडी में वो कोई कैंसरस सेल में चेंज हो गया, तो ये बहुत जल्दी दूसरे सेल्स को जो इसके साथ लगे होंगे सेल्स पूरी बॉडी में उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, और ये आगे से आगे बढ़ता रहेगा, राइट। इसीलिए कैंसर को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट, क्योंकि बॉडी में आप सभी सेल्स को क्योर कैसे कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोविड 19 के वायरस की ही बात कर लीजिए, तो वो बहुत जल्दी अपने को एवोल्यूट कर रहा है, राइट, इसीलिए जो इसको रोकना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसी तरह से जो वायरसेस होते हैं वो बहुत ही जल्दी अपना जीनोम कॉपी कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी इफेक्ट करते हैं, राइट। तो ये जो डिसआर्म्ड पैथोजन्स हैं इसको अगर हम एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा टूल है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, राइट। और इस मेथड को डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर मेथड ही कहा जाता है, कि जहाँ पे हम डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स को यूज़ करते हैं, मतलब कि ऐसे पैथोजन जो कि जिनकी हमने बीमारी फैलाने वाली एबिलिटी जो है उसको रिमूव कर दिया है, और कौन सी एबिलिटी यूज़ कर रही है? जीनोम कॉपी करने की एबिलिटी जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये सभी मेथड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कहीं कोई आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।